बठिंडा विजिलेंस विभाग ने पंजाब होमगार्ड के कमांडर केवल किशन को 40,000 रुपए की रिश्वत लेने के जुर्म में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कमांडर केवल किशन ने यह रिश्वत अपने ही विभाग के जवान प्रीतपाल सिंह से ली थी। पंजाब होमगार्ड के जवान प्रीतपाल सिंह को कुछ वर्ष पहले किसी मामले में अदालत द्वारा दोषी करार कर सजा दे दी गई थी, जिसके बाद विभाग ने कुछ समय बाद नौकरी पर फिर से नियुक्त कर दिया था। काफी टाइम से कमांडर केवल किशन जवान प्रीतपाल सिंह को डरा कर उससे 50,000 की रिश्वत मांग रहा था कि तुझे सजा हुई है और नौकरी पर तेरी गलत बहाली हुई है और अब तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद प्रीतपाल सिंह ने केवल किशन को 40,000 रुपए दे दिए और 10,000 रुपए बाद में देने का वायदा कर दिया और साथ ही विजिलेंस विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद टीम ने कमांडर केवल किशन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं विजिलेंस विभाग के SSP सरदार जगजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रीतपाल सिंह होमगार्ड वॉलंटियर ने शिकायत की कि मेरे खिलाफ मुकदमा 2008 विच दर्ज होया सी, जिस विच मैनू सज़ा हुई सी। उस दे बाद महकमा ने उसनू नौकरी दे विच बहाल कर दिता सी। ते हुण पिछले कुछ समय तो कमांडेंट साहब केवल कृष्ण जिहड़े सी उहनां दे उहनू परेशान कर रहे सी कि जिहड़ी तेरी उस वेले असी महकमे दे विच बहाली करवाई है वो गलती नाल हो गई है, तू सज़ा जाव है, इस करके तैनू नौकरी तों हुण कढ दिता जाणा। तो इस ड्रा दे नाल उस तो पैसे की मांग कर रहे थे, जिस से उसने 50,000 रुपए की मांग की, 40,000 रुपए के सौदा तय हो गया। तो अज इस ऑफिस के उसने जाके 40,000 रुपए दिते, जिथे उसने असी रंगे हथी गिरफ्तार कर लिया। बठिंडा से दीपू शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज 89।